How are you all? So this is me, Samvedna. Welcome back in today's video. आज की वीडियो होने वाली है from Decathlon and Myntra से. मैं कुछ review share करने वाली हूँ and I personally believe कि review तब तक unbiased and honest नहीं हो सकती जब तक हम उसे try and test ना करें, जब तक हम wash ना करें, उसे use ना करें. एंड आज मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की रिव्यू करने वाली हूँ जो लास्ट वन मंथ से मैं कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ. सम ऑफ फ्यू आइटम्स आर थर्मल. सो आई बिलीव कि कोई भी विंटर आउटफिट कंप्लीट नहीं हो सकती अंटिल वी डोंट हैव बेस्ट क्वालिटी ऑफ थर्मल्स. एंड प्राइस रेंज मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग प्राइस 250 होने वाला है. 249 में मैंने बाय किया है. उस टाइम बहुत अच्छी सेल आई हुई थी. सो बाय द वे Decathlon स्टोर इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल. सो आप Decathlon ऐप इंस्टॉल कर सकते हो एंड वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो. अगर आपके नियर बाई होगा तो आपको बहुत ही कम टाइम में रिसीव हो जाएंगे प्रोडक्ट्स. एंड ऑसम प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑसम क्वालिटी होती है इन अ रिजनेबल प्राइस. सो ये फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया था Decathlon एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. एंड बाय द वे जो भी मैंने Decathlon से बाय किया है सारे आइटम आपको Myntra पे भी मिल जाएंगे. सो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो. सारी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जो Decathlon से भी होंगे एंड Myntra से भी होंगे. आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो. सो लेट्स जंप. आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम हैं A to Z आपको मिल जाएंगे इन अ वेरी रिजनेबल प्राइस. दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज फ्रॉम मेन सेक्शन. मैंने एक्सप्लोर किया एंड इसकी प्राइस 249 मैंने पे की थी. उस टाइम काफ़ी उस सेल चल रहा था, मे बी अभी भी एक्टिव हो. एंड स्मॉल साइज मैंने पिक किया था. सो काफ़ी स्ट्रेचेबल है एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा आ रहा है. क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो काफ़ी थिक इसका मटेरियल है. तो स्ट्रेचेबल के साथ साथ आपको थिक मटेरियल मिल जा रहा है जो किसी तरह की भी एयर की एंट्री नहीं देगा. एंड सम काइंड ऑफ मतलब आपका पूरा जो बॉडी है अपर पार्ट बिल्कुल कवर्ड होगा. जो मेरे रेगुलर जॉकी वाले जो थर्मल्स हैं उसका नेकलाइन काफ़ी डीप है. तो कवर्ड नेकलाइन वाला कोई थर्मल मुझे मिल जाए. सो फाइनली मुझे मिल गया है मेरा परफेक्ट थर्मल. फैब्रिक की जो टच करने पे जो फीलिंग आ रही है ना काफ़ी ज़्यादा. जो ब्लैंकेट होते हैं ना, ब्लैंकेट का जो एक काफ़ी थिक वाला जो मटेरियल नहीं होता है जो अंदर से थोड़ा सॉफ्टनेस देता है, उस तरह की फैब्रिक है अंदर से. सो पहनने के बाद काफ़ी फिटेड आ रहा है पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. तो आई फील कि मैं अगर एक्स्ट्रा स्मॉल भी बाय करती तो ये कहीं ना कहीं फिर स्ट्रेचेबल होने के कारण मुझे अच्छी फिटिंग देता और काफ़ी ज़्यादा फिटेड होना चाहिए थर्मल. एंड क्वालिटी सुपर ऑसम है. पूरे मंथ मैंने यूज़ किया है. सो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम फीमेल सेक्शन. बैक में आपको उनके जो इंटरनल ब्रांड्स की लोगो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी. वेज यहाँ लिखा है एंड मैंने टैग्स हटा दिए क्योंकि कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ. मुझे बहुत ही ज़्यादा वार्म फीलिंग आती है. तो इस तरह से इसकी नेकलाइन है एंड यहाँ पे मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी जो Myntra पे अवेलेबल है. एंड आई थिंक मैंने ऐड टू कार्ट किया था उस टाइम 500 के अराउंड प्राइस थी. अभी आई डोंट नो कोई सेल Myntra पे सेल नहीं होती है. अगर सेल आएगी भी तो Decathlon के जो अपने स्टोर है ऑनलाइन स्टोर एंड ऑफलाइन दोनों पर साथ साथ आती है. तो आप ऑनलाइन स्टोर भी चेकआउट कर सकते हो. बहुत ही ह्यूज कलेक्शन आपको मिल जाएंगे एंड काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे. एंड ये भी मैंने स्मॉल साइज ही बाय किया है. अगर आपने जॉकी के ट्राई किए हैं तो आप जानते हो जॉकी वाले जो होते हैं इस तरह के नेकलाइन में होते हैं. एंड इसकी जो नेकलाइन है फीमेल सेक्शन की भी नेकलाइन आपको पूरी यहाँ तक नेक कवर्ड मिलेगी. सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. कहीं ना कहीं आप वेस्टर्न वेयर पहनते हो तो ये वाला परफेक्ट हो जाता है. एंड वार्म तो सुपर वार्म रखता है. मतलब जॉकी एंड इसमें कंपेयर अगर मैं करूं तो ये 5 out of 10 मैं इसे दूंगी एंड 10 on 10 इसे दूंगी. सो ये बहुत ज़्यादा वार्म है. आप अगर ट्राई करोगे या आपने ट्राई किया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना. बात आती है इसकी लोअर बॉटम. तो मैंने बॉटम वेयर भी बाई किया है सेम स्टोर जो इंटरनल ब्रांड है वेज. एंड इसकी भी फिटिंग एंड इसका जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है काफ़ी ब्रॉड है. आपके पास जो भी थर्मल बॉटम वेयर होंगे उसकी जो इलास्टिक है आपको इस टाइप की मिलती होगी. ये जॉकी की है. सो पतली वाली जो होती है ना रबर बैंड सॉरी क्या बोलते हैं इलास्टिक, इस तरह की पतली वाली बॉर्डर होती है जो कहीं ना कहीं लूज होने का चांस होता है. एंड इसकी जो फिट एंड लुक वाइज पहनने के बाद जो आ रहा है बहुत ही परफेक्ट आ रहा है. बहुत ज़्यादा वार्म रखता है. एंड ये बहुत टाइम पहले मैंने बॉटम नहीं एक साल पहले मैंने बाय किया था. ये भी मैंने पे किया था आई थिंक 500 या 600 के अराउंड. एंड
बॉटम एंड टॉप सेट मैंने लिया था थर्मल की मिंत्रा से, इसमें मेंशन नहीं है। तो इसके इलास्टिक आप देख रहे हो ये पूरा लूज हो चुका है। तो ये सारे ब्रांड्स के साथ मैंने ट्राई किया है, ये होता ही होता है, पर ये एक मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। मुझे लगा ये चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना तो ज़रूरी है। एंड जितनी भी गर्ल्स हैं आप अगर देख रहे हो तो मेल भी आप जाके ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। एंड उसके बाद आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर तब तक ना करना कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। अब नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने दो ट्रैक पैंट बाय किए हैं फ्रॉम सेम स्टोर डीकैथलॉन, एंड रे कलर का ट्रैक पैंट है, इसमें साइड में जिप मिल जाएगी विथ ऑसम क्वालिटी। ये भी मैंने बहुत बार वॉश किया है, मैंने डे टू डे लाइफ में यूज़ हो ही रहा है कंटिन्यूस। इस तरह से जो इलास्टिक नहीं है इसमें, ये वाली ये जो है डोरी है, पर ये हल्का फुल्का स्ट्रेच इसमें रहता ही रहता है। एंड नीचे के साइड भी आपको इस तरह का जो ट्रैक पैंट में होता है ना जनरली, एंड इसके अंदर जो है फैब्रिक की वाली बहुत वार्म है। सो अभी से जो एक मंथ, मतलब नेक्स्ट जो फैब और मार्च में तो फिर भी गर्मी आ जाती है, फैब जो होता है हल्की फुल्की ठंड वाला होता है, या स्टार्टिंग जो दिसंबर वाले मंथ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैंने पूरी दिसंबर मैंने यूज़ किया, पूरे एक मंथ मैंने कंटिन्यूस यूज़ किया है ये दोनों ट्रैक पैंट्स। सो एक मैंने ब्लैक में लिया था, एंड वहाँ पे जब आप विजिट करोगे ना तो अगर कलेक्शन आपको कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी मिल रहा है तो वो सारे कलेक्शन आपको ऐप में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकते हो। एंड ब्लैक कलर का है, इसमें साइड में पॉकेट्स आएगा, एंड नीचे के साइड में इस तो ये भी लिटिल बिट स्ट्रेचेबल है पर काफ़ी थिक फैब्रिक है। नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। एक टॉप मैंने डीकैथलॉन से बाय किया है, एंड दीज आर परफेक्ट फॉर जिमिंग, रनिंग, आप योगा अगर करते हो, किसी तरह की भी एक्टिविटीज़ करते हो, सो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेट प्रूफ फैब्रिक्स ज़रूरी हो जाते हैं उस टाइम वेयर करना। तो ये आप देख रहे हो इस तरह की फैब्रिक आती है जो पूरे टाइम आपको ड्राई रखता है एंड स्वेट प्रूफ फैब्रिक होते हैं। एंड ये मैंने यूज किया हुआ है, इसके बाद में बता रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नेवी ब्लू इन कलर है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं थे, तो आपको अगर कुछ और भी पसंद आ रहा है तो आप वहाँ से स्टोर से चेकआउट कर सकते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाई इंटेंसिटी ब्रा। एंड ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, एंड काफ़ी हाई प्राइस भी था, मतलब इसकी प्राइस आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने पे की है 1899, जो कि बहुत ज़्यादा है, पर इसकी क्वालिटी एंड इसके जो फंक्शन आप जानोगे तो उसके बाद आपको लगेगा वर्थ फॉर मनी है। एंड काफ़ी लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है इन कमेंट बॉक्स, ये इसके लिंक में आप जाके सर्च कर सकते हो। सो मिंत्रा से ये बाय किया, बाय द वे मेरा दिल टूट गया कि इसकी प्राइस मिंत्रा पे मैंने 1899 पे की है, और डीकैथलॉन स्टोर पे अभी 50% का ऑफ आया था शायद, एंड उसमें 1299 ऐसे मिल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा धक्का। सो बाय द वे इसके फंक्शन मैं समझा दूँ, अगर जो लोग हाई इंटेंसिटी ब्रा सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्कआउट के समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बस अपनी प्लेस पे रहे। तो इसमें एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि लाइटली पैडेड भी नहीं है, अदरवाइज ऑसम ही फंक्शन मैं आपको समझा दूँ। सो पीछे से आपको क्रॉश वाला जो लुक आ रहा है ना, इससे बहुत अच्छा एक पुश मिलता है, बस्ट को बहुत अच्छे से इसे स्ट्रेच करके पीछे से आप टाइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसके स्ट्रिप्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग से बढ़ा घटा सकते हो दोनों साइड से, ये वाले स्ट्रिप हुए। एंड ये बैक साइड में आएगा, पूरा इलास्टिकेटेड है, ये पूरा आपको वाइड बेल्ट मिल जाता है बस्ट के नीचे, बहुत अच्छा ग्रिप मिल जाता है। फ्रंट से ओपन है पर फ्रंट में पूरा ओपन नहीं होता है, आपको ऊपर से डालना होता है। एंड इस तरह से आपको फ्रंट में जिप मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो ये जिप पूरा ओपन नहीं होता है, बस हाफ यहाँ तक ओपन होता है, इसके बाद आप इस तरह से वेयर कर सकते हो। वेयर करने के बाद आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, जैसे पीछे की तरफ जो हुक आती है वो आपको फ्रंट में मिल रही है एंड थ्री हुक मिल रही है, आप अपने बस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस अकॉर्डिंग आप हुक क्लिप कर सकते हो, जो भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। उसके अलावा आपको फ्रंट में भी डिफरेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 ये जो ग्रिप मिला हुआ है इसमें, अगर आप इसे ओपन करते हो ये ओपन हो जाता है फ्रंट से, एंड इसे आप खींच के अपने बस को जितना पुश करके आप मतलब ऊपर की तरफ पुल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ग्रिप में
एडजस्ट कर सकते हो। सो ये सारे फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छे लगे। हेथलॉन में अगर आप स्टोर में बाय करते हो तो आप ये ध्यान देना कि MCD, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि उनके साइजेस इशू हो रहे हैं, तो MCD इस तरह से टैग लगा होता है एंड इसमें लिखा भी है हाई सपोर्ट मेंटेन सुपीरियर क्वालिटी जो भी है। एंड यहाँ पे जो ग्रीन का ये जो साइन है ना, ये फुल यानी हाई इंटेंसिटी ब्रा एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए है ये। इसमें सबसे अच्छी बात है आपको आगे बस को भी पुल करके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट से ये इलास्टिक जो है ये चीज़ भी एडजस्ट करते हो एंड बैक में भी एडजस्ट कर सकते हो। सो चारों तरफ से आपको अच्छा ग्रिप मिल जाएगा आपकी साइज के अकॉर्डिंग जो भी बाय करते हो उसके बाद। एंड वर्कआउट के समय आप बिल्कुल फ्रीली वर्कआउट कर सकते हो। सो गाइस मेरे अकॉर्डिंग वर्थ फॉर बाइंग है। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।